मैं फोन बार बार कर रहे थे, कहीं कहीं डाउट था, वो चीज सब हम लोग ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। सबसे पहले दिनांक 12 तारीख को, 12 अप्रैल को सोमवार को अतिस्ता रोड में एक टाटा क्वार्टर में 4 लोगों को हत्या का मामला सामने आई, एक परिवार के 3 और ट्यूशन टीचर, और निर्मम हत्या करके हत्यारा 3 लाख पैसा के साथ भाग फरार होने का सूचना मिला। तो सिटी एसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और स्पेशल अरेस्टिंग टीम बनाया गया था, उनके द्वारा काफी अच्छे काम करते हुए 3 दिनों के अंदर हत्यारा को, जो बदल बदल के समय और जगह बदल के एस्केप हो रहे थे, उनको हम लोग फाइनली धनबाद पुलिस के मदद से, हम लोग धनबाद में कल उनको गिरफ्तार किए हैं। और उनके फिर हम लोग रात में इंट्रोगेशन किए हैं। इंट्रोगेशन करने के बाद उनके कन्फेशन के आधार पर कुछ सामान जो है प्लेस ऑफ अकरेंस से बरामद हुआ, और संबंधित अपराधी को हम लोग प्लेस ऑफ अकरेंस ले जाके कांड का हम लोग रिक्रिएशन भी किया। जो हम लोग को सूचना ही मिलती थी अगल बगल लोगों से और FSL टीम से और अपना पुलिस टीम से, जो भी वहां पर सामान वगैरह जब्त हुआ उसके बारे में इनसे गहनता से पूछताछ की गई, और इन्होंने जो भी वर्जन बताया उसका हम लोग कोराबोरेट किए थे रात में। फिर उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम के बारे में हम लोग को सामने आई, फिर आज इनको जो हम लोग कोविड जांच के बाद इनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। सबसे पहले इस घटना में दीपक कुमार, उम्र 42 वर्ष है, ये सोपोडेरा को रहने वाला है जो परसुड़ी थाना के अंतर्गत है, ये टाटा टिस्को में फायरमैन के काम कर रहे हैं। 2012 में इन्होंने नौकरी ज्वाइन किया था, 2004 में इनके शादी हुई और इनका 2 बेटियां हैं, 15 साल का और 4 साल का। तो इनके सबसे पहले जब सोपोडेरा में थे, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड है एक प्रभु साहू उर्फ प्रभु जी, ये भी इन्हीं का एज ग्रुप का है, ये इनका बाल्य दोस्त है। और इनको जो 2012 में जब नौकरी ज्वाइन किए, ये थोड़ा सा स्पेंड थ्रिफ्ट, मतलब थोड़ा खर्च करने वाला आदमी था, तो ड्रेस में शौकीन, ऑनलाइन परचेज करना, बाइक खरीदना, ये सब चीज में इनको इंटरेस्ट था। तो कुछ इन्होंने फ्रेंड्स लोगों से, बैंक से और कुछ अन्य प्राइवेट एजेंसी से कुछ इन्होंने कर्ज वगैरह उठाया और वो पैसा ये नहीं दे पा रहे थे। इसी बीच में इनके दोस्त प्रभु को आलोचना से, उनके सजेशन से अपना पैतृक गांव घर जो है सोपोडेरा में, उसको 40 लाख में बेचा। 40 लाख में बेचने के बाद इनके 20 लाख और इनके छोटा भाई जो बिलासपुर में काम करते हैं प्राइवेट कंपनी में, उनको 20 लाख का मतलब पैसा दिया था। तो उसके बाद प्रभु के कहने पर इनके द्वारा एक सेकेंड हैंड हाईवा प्रभु से लिया गया था, करीब 17 लाख का इन्होंने उनसे हाईवा खरीदा, सेकेंड हैंड हाईवा, और प्रभु का एक बुलेट रॉयल एनफील्ड 1 लाख रुपया में उनसे ये खरीदा। फिर उसके बाद ये जो गाड़ी है, ये रोड टैक्स करीब 5 लाख का रोड टैक्स फेल था, ये इनको जानकारी नहीं था। प्रभु ने इनको ये गाड़ी 17 लाख पैसा दे के इनको दे दिया था। तो इनिशियली ये गाड़ी जो है 2019 में टाटा पावर में गाड़ी चलाया इनका जोजोबेड़ा में, महीना करीब 65,000 का इनका आर्थिक लाभ मिलता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इनका गाड़ी चल नहीं पाई। फिर प्रभु का जो अपने बगना है रोशन, वो भी इनके काफी अच्छे दोस्त थे प्रभु के चलते, तो रोशन के कहने पर इन्होंने अपने हाईवा को खड़गपुर में एक लक्ष्मी मेटल्स करके कोई कंपनी है उसी में वाड़ा पे लगाया पिछले 5 या 6 महीना से। रोशन भी एक हाईवा गाड़ी अपने पास रखते हैं, वो गाड़ी और ये गाड़ी दोनों को हिसाब किताब जो है रोशन अपना देखते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनका उसमें पैसा नहीं आया, रोशन से पूछने पे बोला कि लॉस में चल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है करके। तो पिछले 5-6 महीना का जो पैसा है करीब 5-6 लाख का, रोशन ने इनको पैसा नहीं दिया। इसी के चलते इनको रोशन से 2-3 बार इनको अपना पैसा वापस करने के लिए या हिसाब किताब देने के लिए इन्होंने बार बार उनको बता रहे थे, लेकिन इनको तब लगा कि गाड़ी का भी 5 लाख कम का रोड टैक्स भी ये नहीं हुआ, और प्रभु ने हमारा घर बेचवाया और अपना उनका सेकेंड हैंड का गाड़ी दिया, चीटिंग किया और अपना उन्हें इनफील्ड भी इनको बेच दिया। इसके अलावा प्रभु के साथ हमेशा इनका उठना बैठना और खान पीन और दारू पीने का आदत था, और प्रभु थोड़ा सा क्रिमिनल प्रवृत्ति के है और कुछ क्रिमिनल लोगों के साथ उनका उठना बैठा भी साठगांठ भी था। तो इन्होंने जब ये पूरे लॉकडाउन में इस चीज को झेला,
जब इन्होंने सोसाइटी से लोन लिया टाटा स्टील से करीब 4.5-5 लाख और एक प्राइवेट एजेंट से लोन लिया।